झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही भले ही शोक सभा के बाद सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बयान मर्यादा लांघते नजर आए। कांग्रेस के जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने जब बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री सीपी सिंह को खरी खोटी सुनाई और बाल नोचने की धमकी दे डाली, तो जवाब में सीपी सिंह ने इरफान अंसारी और उनके साथी विधायकों को कांग्रेस का गद्दार कहने में देर नहीं लगाई। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में भ्रष्टाचार और अनियमितता का मुद्दा उठा रहे थे। इसी दौरान कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी और बीजेपी विधायक सीपी सिंह विधानसभा पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर इरफान अंसारी सीपी सिंह की तरफ देखते हैं और कहते हैं, डॉक्टर इरफान अंसारी आ गया है, अगर ये लोग सदन में कोई गड़बड़ी करेंगे तो मैं इनके दांत उखाड़ दूंगा और बाल भी नोच लूंगा ताकि जनता इनका असली चेहरा देख सके। झारखंड को बर्बाद करना, तो जो नकली दांत है, मैं डॉक्टर हूँ, दांत भी निकालेंगे और बाल को भी जो रंगा है ना इसको व्हाइट करेंगे। इनका तो कहना है कि शिक्षा के नाम पर युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं गठबंधन सरकार। भाई हम लोग क्या किया, 18 साल आप नहीं पूछे, जातिवाद में बांट दिया, भाई भाई को लड़ा दिया, हिंदू मुस्लिम में लड़ा दिया और तहस नहस झारखंड को कर दिया, सिस्टम गड़बड़ कर दिया। सुधारने में समय लगेगा, थोड़ा समय दीजिए, हम लोग सुधारेंगे इसको। दांत नहीं है इनका, चलिए किसका दांत नकली है? मैं नकली दांत वाले और नकली बाल वाले भाजपा इरफान अंसारी आ गया है सदन में, अगर गड़बड़ किए तो इनके बाल भी उखाड़ूंगा और इनके दांत भी उखाड़ूंगा और जनता को बताऊंगा कि इसका असली चेहरा देखिए यही है। नकली लोग कभी असली नहीं हो सकते। चलिए, कांग्रेस विधायक द्वारा विपक्ष को धमकाने के लिए इस्तेमाल की गई भाषा पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इरफान अंसारी से मुलाकात तक नहीं की, इसलिए वे खिसी आए हुए हैं। उन्होंने इरफान अंसारी को यूक्रेन रूस वाला डॉक्टर बताया और पूछा कि उन्हें बताया जाए कि वह कोलकाता में किस मामले में 3 महीने तक जेल में रहे थे। सीपी सिंह यही नहीं रुके और कहा कि जो लोग अपनी पार्टी तोड़ते हैं वे गद्दार होते हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी भी अपनी पार्टी को कमजोर करने वाले गद्दार हैं। साहब किसी से मिलने का मौका नहीं मिला, अब क्या करेंगे, अब तो अंगूर खट्टे वाली बात है ना। ये विधायक तो भाई इनकी मैंने कृति जो है ना अपरंपार है। इरफान कह रहे कि मंत्री बनने की ललक हमें नहीं थी, हमारा मकसद ही कुछ और था। अरे भैया ये तो कभी बोलता है कि हम डॉक्टर हैं, तो कौन सा डॉक्टर है, दुनिया जानती है कि कौन वाला डॉक्टर है, वही यूक्रेन और रशिया वाला डॉक्टर है। आज करेंगे, कह रहे कि दांत उखाड़ेंगे। अरे यही यूक्रेन वाला डॉक्टर है, रशियन डॉक्टर है तो क्या होगा। लेकिन ठीक है, मांगे विधायक तो है भाई, तब मानता हूँ, लेकिन ये लोग तो कलकत्ता नहीं, नहीं नहीं ये लोग कलकत्ता में काहे गिरफ्तार हुआ था भाई, 3 महीना जेल में रहा, पैसा के साथ पकड़ाया। ऐसे भ्रष्ट लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, मैं स्पष्ट जानता हूँ कोई भी व्यक्ति हो, और मैं इसी के लिए बदनाम हूँ यदि अपनी पार्टी से गद्दारी करता है कोई भी व्यक्ति, तो मैं उसे गद्दार ही कहता हूँ। सीधा सा बात है, इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी से गद्दारी करने का काम किया था और ये हैं।